पेट का जो है 2021 का आप पेपर देख पा रहे हैं, जिसमें आपका टाइम 2 घंटे होने वाला है। आपके टोटल मार्क्स 100 के होने वाले हैं, आपके क्वेश्चन भी 100 होंगे। जो लोग निर्देश पढ़ना चाहते हैं वो लोग निर्देश वीडियो रोक के पढ़ लेना। चलिए क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, निर्देश को वीडियो रोक के आप पढ़ लेना। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट होता है सेट 1 का है। सेट ए आपको जो है सेट यच तक मिलेगा। 8 सेट प्रोवाइड होंगे आपके पेट एग्जाम में, जो कि सेट ए है। आप सभी सेट देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां से सारे सेट आप देख सकते हैं। ए बी सी डी एफ जी एच 8 सेट आपको प्रोवाइड होते हैं। आप पेपर देख सकते हैं, वीडियो को रोक के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप देख सकते हैं कितने क्वेश्चन आप किए हैं, कितनी स्टडी हुई है। आप वीडियो रोक के सारे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर अपने जो है कंपटीशन को चेक कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। स्मार्ट स्टडी टेक ने आपके साथ कुछ नया लाने की कोशिश किया है, तो आपका भी एक फर्ज है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने में फ्रेंड्स आप लोग का कुछ भी टाइम नहीं वेस्ट होगा। चौदह नंबर क्वेश्चन की बात किया जाए तो यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन आपके हर बार एग्जाम में एक क्वेश्चन से हो रहे आने को। बैंक दर का अर्थ होता है दोस्तों, बैंक से रिलेटेड एक क्वेश्चन से हो रहा है हर बार आता है। जैसे यहाँ बात किया जाए 100 रुपए का नोट, क्वेश्चन नंबर 19, 100 रुपए का नोट किसके द्वारा हस्तांतरित होता है। सभी जानते हैं आरबीआई गवर्नर एवं भारत के राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, वित्त सचिव। ये क्वेश्चन सभी के माइंड में होने चाहिए। एक क्वेश्चन हर बार लगभग कहीं पूछ लेता है 1 रुपए के नोट में, कहीं पूछ लेता है 100 के नोट में। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर बार आ जाता है। सारे क्वेश्चनों को आप सिंपली स्क्रीनशॉट लेना, ले लेना वीडियो रोक के। एग्जाम में जाते तो हैं, लेकिन आपको जो है मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि आपको वहाँ से सही गाइडलाइंस मिलती हैं। आप सारे सेट को प्लेलिस्ट से जाकर देख लेना। 8 सेट प्रोवाइड किए जाते हैं यूपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी पेट में जो है आपके। जिन स्टूडेंट का इस बार एग्जाम में फेल होते हैं तो अगली बार नेक्स्ट बार ट्राई करना, इस प्रीवियस ईयर पेपर से स्टडी करके जाना। अगले बार नेक्स्ट बार आपका एग्जाम श्योर है 100% निकल जाएगा। लेकिन जो क्वेश्चन दिखाया जा रहा है इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लेना और इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चनों को स्टडी करना। आपको आने वाले नेक्स्ट एग्जाम में जो लोग फेल हो रहे हैं इस बार, उनको जो है बहुत ही मदद मिलने वाली है। कोविड-19 से रिलेटेड क्वेश्चन की बात किया जाए तो 2 क्वेश्चन श्योर है। सत्तर नंबर क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे। इसको सभी लोग किए होंगे, याद भी होगा। नहीं याद है तो बहुत शर्मनाक बात है, क्योंकि आप इसको जो है क्वेश्चन आप जो है 11th-12th में जो है जनरल अवेयरनेस में पढ़ चुके हैं। इस क्वेश्चन को जो है अच्छे से रीड कर लेना, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। यहाँ निर्देश पढ़ लेना, 71 से 75 नंबर क्वेश्चन इस टाइप के होंगे। छिहत्तर से 80 नंबर क्वेश्चन इस टाइप के होंगे। निर्देश पढ़ लेना स्क्रीनशॉट लेकर। इक्यासी से 85 नंबर क्वेश्चन इस टाइप के होंगे, जिसको आप निर्देश पढ़ के जो है 81 से 85 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 86 से 90 नंबर क्वेश्चन ग्राफ के अध्ययन पर आधारित होंगे, जो कि आप देख लेना। यहाँ से ग्राफ को देखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है।
जो लोग एग्जाम दे के आए हैं वो लोग अपना जो भी सेट है, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी या जो भी सेट पाए थे, अपना जाके प्लेलिस्ट में उस सेट का वीडियो देख के आप जो है घर पे बैठकर क्वेश्चन सॉल्व करिए। आप देखिए कितने क्वेश्चन करके आए हैं एग्जाम में, वहाँ से आप अपना डिसाइड कर सकते हैं कि मेरा एग्जाम क्लियर होगा कि नहीं। यदि क्लियर नहीं हो रहा है तो जो भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं सिंपली स्क्रीनशॉट सारे क्वेश्चनों का लेकर आज से अभी से स्टडी करना प्रारंभ कर दीजिए, नेक्स्ट एग्जाम में आपका एग्जाम जरूर क्लियर होगा। धन्यवाद दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। आप जो है अन्य सेट्स को देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से आप अन्य सेटों को भी देख सकते हैं। धन्यवाद।